लेकिन गाइस तो ब्लॉग बनना है मेरा, रात के और मेरे 2:30 बजे को इतना ब्लॉग बुरा बनना है। लगा सूट। हाँ यही वाला सूट रखा, तो तैयारी हो रही है हाय बरेली जाने की। ये देखिए हमजा खड़ा हुआ है, सुबह की 6 बजे की ट्रेन है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बरेली, क्योंकि वहाँ हमारे बेटी के बेटे का हकीका है। गाइस हिचकी बहुत आ रही है, तो मैं पानी पीने लगी हूँ, बहुत तगड़ी यार, हिचकी आ बाकी रही सुबह है। कुछ खाए? तो हमारे घर आए में सारे ये बाकर और ये उधर अम्मा घर बोलो आए वाला, हैं। ये जो हमने ये देखिए बोलो वाला भी है सारा, और इधर सारे जेंट्स कपड़े हैं, इसमें लेडीज कपड़े भरे हुए हैं, ध्यान दे इधर भी सारे ड्राई फ्रूट वगैरह है, और काफी सामान है, इस बैग में भी सामान है। तो हाँ ये वाला सूट मेरा रख दो तुम। तो गाइस अभी हम सुबह करते हैं ब्लॉग स्टार्ट, तो अभी ये रात हो रही है, तो 2:30 बज रहे हैं, 3-2.5 घंटे ही सोएंगे हम लोग। तो फटाफट सोते हैं और सुबह आपसे मिलते मिलते हैं हैं। सुबह। जी गाइस 3 भी बज गए हैं रात के, देखिए सारा हमारे घर में इतना चहल पहल हो रही है, क्या बताएं। और आंखों में है नींद बहुत, मगर हम सोएंगे नहीं, क्योंकि 2 घंटे बचे हैं। अगर ट्रेन हो गई मिस तो हम भी हो गए मिस, सारे पैसे गए पानी में, तो इसलिए हम सोएंगे नहीं। तो हमने अपनी चचेरी बहन से बोला है चल तो हमारे मेहंदी ही लगा दे, तो ये मेहंदी लगाने बैठ गई है, और अन्नू कर रही है पूरे घर का सफाई कर रही है, मतलब कपड़े साफ, घर साफ नहीं कर रहे, कपड़े साफ जो हुए इसमें वो कर। लगाऊं? हाँ इसमें ही लगा दो बहन जी, क्या करा जाए। तो गाइस मेहंदी में लगवा रही हूँ, तो जब सुबह सुबह होगा तो स्टार्ट होगा जाना, देखते हैं हमारी मंतशा कैसे मेहंदी लगाती है। मेरी चाचा की बेटी है, बरेली से आई है, ये भी बरेली वाले बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं वैसे, और हमारी सारी चाचाओं की बच्चियों को बहुत ज़्यादा हुनर वाली बच्चियां हैं। तो ये देखते हैं ये कढ़ाई वगैरह करती हैं, देखो स्टार्टिंग इतनी अच्छी करी इन्होंने, बहुत अच्छी। तो मैंने सोचा लगवा अच्छा लें, नींद वरना आ जाएगी। तो ये देखिए ये सारा सामान सोफे पे रख गया है, एक बैग, दो बैग, तीन बैग, चार बैग, और ये आ रहा है ये पांच बैग, ये सारा सामान। गाइस ये देखिए इतना सामान हम लेके जाएंगे, ट्रेन में कैसे जाएंगे। ओ माय गॉड, एक ये वाला कार्टून भी है, बताइए गाइस कैसे लेके जाएंगे इतना सामान, कोई बता सकता है? तो देखते हैं अल्लाह पाक। कुर्सियाँ और कुर्सियां भी हैं गाइस, मगर हम जैसे तैसे लेके तो जाना ही पड़ेगा। तो गाइस देखिए मेहंदी भी स्टार्ट हो रही है, देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है हमारी मंतशा ने, बहुत ही प्यारी लगा रही मेहंदी, ये देखिए कितनी प्यारी लगाई है माशाल्लाह। और नींद बहुत ज़ोर से आ रही है, आंखों में बता नहीं सकते गाइस। तो मेहंदी लगवा ली, तब भी बहुत नींद आ रही है। चलो फिर मैं अब सुबह से स्टार्ट करूँगी, जब हम घर से सामान निकालेंगे। ओके तो फिर मैं आपको मेहंदी दिखाऊंगी कैसी रची मेरी मेहंदी। तो पौरों पे तो देखती हूँ, पौरों पे लगाती है नहीं लगाती। रेलवे स्टेशन, ये देखिए 5:30 बज के गाइस, हमें सामान इधर सारा का रखा काम हुआ, भी होना है। 3 व्हीलर लेने जा रहे हैं रात। हाँ क्या जी, कहाँ पर हो रही मेरे बच्चे, कहाँ पर हो रही है? देखो तुमने टॉपर में इतने मेरे बच्चे के पता नहीं बाल कटवाऊंगी, मेरे बच्चे के बाल भी नहीं कटे हुए। ठीक है मैं बाल वहीं कटवा दूंगी आपके, ठीक है? तो अजान भी मेरा तैयार बस हो गया है बिल्कुल, देखो शीशे में दूर रख दे अजान की जल्दी से। तो अजान कहाँ जा रहे हैं आज हम? अजान भाई नींद में, फुल नींद में, ये कुछ नहीं बोलने को तैयार है अभी, और बेचारा मेरा बच्चा कमजोर बहुत हो गया, और ये ब्लेली जा रहा है ब्लेली। तो गाइस फटाफट हम भी देखो तैयार हो, गाइस हम लोग सब बैठ गए हैं और निकल गए हैं यहाँ से। तो इतना ठंडा मौसम हो रहा है भाई, और मम्मा देखो तो बस अब पहुँच रहे हैं शाहदरा रेलवे स्टेशन। गाइस बहुत ठंडा मौसम है, हमने 1 घंटे में सारा काम कर लिया अपना, 5 बज गए बिल्कुल, 5 बजे तो उठे थे हम, 6 बज गए हैं, और 6:30 की ट्रेन है। तो देखते हैं मिल जाए और सफ़र हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि सामान भी इतना सारा है बहुत ज़्यादा, और वो मेरा हमजा, मेरी बहन का हमजा, वो सामान लेके आगे जा रहे हैं, हम लोग इधर से बैठ गए। हमारी बहन भनोई, हमारी दूसरी वाली बहन, सब मिल गए हमें शाहदरा स्टेशन। ये देखो ये हमारी बहन का बेटा हमजा ये सामान उठा रहा है,
और इधर देखिए, ये देखिए बेटी हमारी बच्ची है, ये देखिए सारे के सारे। तो गाइस हम पहुंच गए टाइम से, ये बज रहे हैं 6:10, 6:11 हो गए और 6:30 की ट्रेन है हमारी, तो अल्लाह तला शुक्र टाइम से पहुंच गए। तो आ जा सब जने, सामान इतना हो गया अंधाधुन, आओ। फाइनल ऊपर हो गए, यहाँ से सब लड़कियाँ उधर आ रही हैं। अरे मैं तो पैर भी मुड़ गया। गाइस ट्रेन आ गई है, ये देखिए ये बहनें यहीं पर ही आ गई हैं सुबह सुबह, और देखो कितना पूरे स्टेशन पर धम मचा रही है। यही देखिए सामान, सारा सामान उठाना है तुम लोगों को। अच्छा ठीक है, बहनोई ट्रेन आ गई, बहनोई हमारे घबरा गए। पहुंच गए हम हापुड़ पहुंच गए, धूप भी वगैरह बहुत निकल रही है और हमारा अजान यहाँ सो रहा है। ठीक है, हमारी मंतशा यहाँ बैठी हुई है। ट्रेन रुक गई थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, थोड़ी देर से निकल गई। लो जान अपनी दूध की, दूध की बोतल लो, दिल्ली सान है, लो दूध की बोतल लो अपनी। अच्छा अमरोहा, ये अमरोहा गाड़ी हो गई है थोड़ी सी खाली, सुकून मिला। हमजा अंदर आजा, ये मालिक से कहना दूध बढ़ा दिया करो, पैसे बढ़ा दो चाय तो बढ़ा हुआ। अरे चाय में मजा नहीं है कुछ भी। अच्छा जी थोड़ी अदरक पड़ी होगी। देखिए सब लोग इतनी हंसी ठट्टे कर रहे हैं, गाड़ी हो गई खाली, देखिए कितनी खाली हो गई। अब जगह ही जगह है, कहीं भी बैठो लेटो। अब एक प्लेट छोले चावल दे दो। कितने का है? 30 रुपए का, एक प्लेट दे दो। ये हमारी रोजी की बेटी कितना रो रही है ट्रेन में भैया, ये ट्रेन क्यों रो रही है? तो सब लोग परेशान हो रहे हैं तुम्हें देख देख के। हाय हाय हाय, देखो ये कितनी, इसकी नानी कितना रुला रही है इसको, देखो ये दूसरी नानी है, ये नाना है, देखो ये देख के हंस रही है, ये देख के हंस रही है। ये बहुत ड्रामा करती है लड़की, देखो कैसे रो रही है ड्रामा। उधर मेरा अजान है, देखिए इधर मेरा अजान बेटा हुआ है, गाना सुना रही है, बोलो देख कितनी खुश हो गई। अरिशा ये है लबेरी, अरिशा अरिशा, ओ अरिशा को गर्मी लगने लगी। हाँ क्या हुआ अरिशा को, मेरी गोल गप्पी को क्या हुआ? गोल गप्पी को देखो आंसू हो रही है, आंसू हो रही है। ये 50 स्पीड चल रही है, नहीं तो ये हल्की स्पीड हो गई 50 है, मैं हवा से रुक पहचान लेती हूँ कि गाड़ी कहाँ चल रही है। बताए दूल्हा भाई तुम्हें, गिरे नहीं बोलता, वो चलती है दाएं 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 चलती रहती है अंधाधुन। वो अच्छी थी ट्रेन भी, और ये तो बार थोड़ी सी स्लो हो गई, 30 स्पीड हो गई इसकी, 30 स्लो स्लो चल रही है गाड़ी है। कोई स्पीड नहीं है, देखो डाउन हो गई स्पीड। अच्छा स्पीड पकड़ती है फिर डाउन हो जाती है। लो भैया ने तो यही बोल दिया, टीटी भैया ने, तुम इतने डाउन हो तो गाड़ी इतनी डाउन हो गई। क्या कह रहे दूल्हा भाई, क्या कह रहा अपने? वो कह रहा था कि रुखसाना जो है दूसरे दिन फोन करती है। अच्छा तेरी बाजी से फोन कराऊंगा हर 10 मिनट बाद। अच्छा जब नहीं उठाया तो पूछूंगा उससे मैं, फोन कैसे नहीं उठाया, फोन कैसे नहीं उठाया। बहन इतनी मोहब्बत दिखा देना, फोन करो तस्लीम को रोज 2 फोन सुबह और शाम, घर से निकल गया और घर में घुस गया, पूछ इतना पूछ लिया कर तू है ना, फिर तेरा ही नाम होगा बिटिया बाजी, हमें सुबह शाम फोन करती है बिटिया बाजी हमें। ठीक है सही है, ठीक है चलो भाई हो गया पक्का। ये अपने छोटे भाई को फोन करेंगी, रोज डेली शिकायत बहुत देती है छोटे भाई की कि फोन नहीं करती बड़ी आपा हमारी, तो अब इन्होंने वादा करा है कि रोज भाई को फोन करेंगी। ऐसे ही भाई से मोहब्बत करनी चाहिए बहन, और भाई को याद रखना चाहिए, तुम बड़ी हो पता है हमें, मगर छोटे भाई को याद रखना चाहिए। ठीक है छोटे भाई तो बहुत मोहब्बत करता है, छोटे भाई की बुराई नहीं सुनूंगी मैं। देखिए बहुत अच्छे, बहुत सही हो बेटा, बड़ा बंदा ले बंदा।
ही बंदर, ले बंदर रोटी तेरी अम्मा मोटी, बचपन में कहते थे हम यही। बैंक वाले सारे पैसे दे लो, जबरदस्ती। देखो आप, देखो हाथ, देखो कौन है बहनों में सबसे ताकतवर औरत, मैं हूँ, मैं हूँ। मैंने खाया घी मक्खन अपनी अम्मा का ओरिजिनल, तुम लोगों ने नहीं खाया। हाँ अपने खानदान का मैंने खून पिया है सबसे ज्यादा, ये असलियत बात है मेरे बहन। इतना बढ़िया लग रहा है ना, नहीं डर, तुम्हें डर लग रहा है? अरे डरने वाली नहीं बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। दिख रहे घोड़े, घोड़े लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा है। अजान सही बात है, है दौड़ा दौड़ा दौड़ा, आने वाला है और सारा सामान दाल है, दाल चने, तो बस उतरने वाले हैं हम लोग। यहाँ पटा के बैठे हुए, आओ ना उतरो, चलो भाई सामान वाम तरह जल्दी से भरे लिया। चल कुर्सी पकड़, चल तू तो चल, अरे रुके ये आराम से देख लो, तो कुछ नहीं क्या करती ना, बैग रख पहले देख के हमारे अंदर और कुछ भैया आ जाओ, सामान वान उठाओ, चलो चलो भाई सामान वान उठाओ, तो सारा सामान, बाप रे बाप। गाइस देखो हालत इतनी खराब है, स्वेटर वगैरह सब सुबह सुबह पहन के आए थे, मगर अब गर्मी लगने लगी बहुत ज़्यादा, तो चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ से भी जाना है, थ्री व्हीलर लेना है यहाँ से भी, और जाना है नवाबगंज के लिए। हमें क्या पता किधर से जाएंगे, चलो चलो चलो। ये देखो बहुत घबरा रहे हैं ये लोग, लला ने क्या पकड़ रखा है, देखो फेंक दिया अजान ने, दाऊद के खिलौने भेज फेंक दिए सारे के सारे। आओ जल्दी आओ भाई, हाँ ऐसे कर ले संभाल के भाई, टूटा फूटा बैग है मेरा। अजान जल्दी खाना, भागो जल्दी खाना, चलो ये देखो जल्दी जल्दी साथ साथ जाना बेटे, साथ साथ। अजान रुक जा, अजान का है ना भैया, मैंने कुर्सी पकड़ ली। तो ये हमारी बहन भी आ रही है, देखिए सामान लेके। इस आए थे हम, ये जा रही है, ये है टनकपुर, टनकपुर दिल्ली से टनकपुर जा रही है। तो अब हमें जाना है फ्लाईओवर से उधर, से उधर जाना है बाहर, तो चलते हैं। गाइस देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, हमने कुर्सी, हम गाइस ये आगे आगे जा रही है हमारी बहन, सामान उठा गई, देखिए ए गांव वाली कहाँ जा रही है, कहाँ बेच रही है ललो, कहाँ बेच रही है। ओहो ट्रेन की आवाज, चलो भैया तुम निकल। गाइस हम बाहर आ गए और गाड़ी वालों की लग गई लाइन के हमारे में आ जाओ, हमारे में आ जाओ, तो हम तो कहीं नहीं गए, और जिसने पैसे सही बताए हैं उसी की जा रहे हैं गाड़ी में, तो दो गाड़ियां करनी पड़ रही हैं, 10 लोग हैं हमारे साथ, और आगे हमारी बहन भी चल रही है, और दाऊद, वो दाऊद के लिए अजान था, मेरे साथ साथ आओ बेटे, मेरे बच्चा कोई पकड़ के ले जाएगा। तो गाइज सब लोग आ गए बाहर, सबके हाथों में सामान, देखिए किसी के हाथों में बच्चा है, किसी के हाथों में गत्ते का सामान, खिलौने पैकिंग, और हमने भी कुछ पकड़ रखा है, दिखाएंगे नहीं, चलो सारा सामान रखवा दो ऊपर ऊपर भैया, मत रखवाना कभी उड़ उड़ जाए। हाँ ये देखिए हाथों में भी पकड़ रखा है, बैगों में भी पकड़ रखा है। अजान कैसे लग रहा बरेली आके, सामान लेके आया अभी हमारा, लो तो आज सामान यहाँ है, हम जा गाइस बस पहुँचने वाले हैं, पहुंच गए हैं नवाबगंज, और यहाँ पर उतर रहा है सामान हमारा सारा, तो यहाँ हमारे आरिश भी आ गए सारा सामान लेने के लिए, तो बहुत टाइम लगा, दोपहर के बज गए हैं, 3 बज गए हैं सुबह से चलते चलते। तो मेरा आज का चैनल मेरा यहीं खत्म, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।